मंच पर उपस्थित करोड़ों करोड़ों युवाओं की धड़कन, अगलों की, पिछड़ों की, दलितों की, किसानों की, मजदूरों की, अल्पसंख्यकों की, सबकी आवाज, आदरणीय जयंत चौधरी जी, दूर दूर से आए एनसीपी, सीपीआई, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और विभिन्न पार्टियों के हमारे सम्मानित नेतागण, मंच पर उपस्थित युवा राष्ट्रीय लोकदल के और सभी पार्टी के वरिष्ठ विधायकगण, सामने बैठे मेरे जोशीले युवा साथियों और बुजुर्गों, जिनके बलबूते ऐसी ठंड में चौधरी साहब जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में फिलहाल पड़ रही है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी और पार्टी का कार्यक्रम किसी भी रूप में फिलहाल चल रहा हो। दिन रात मेहनत करके ये सामने बैठे सभी साथियों ने इस युवा संसद कार्यक्रम को सफल बनाने का इसलिए काम किया क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें जो पिछले साल 2023 में और पिछले 8 साल से लगातार टूटती जा रही है, वो उम्मीद की किरण इन सब नौजवानों को आप में देखने को मिल रही है, आपके गठबंधन में देखने को मिल रही है। पिछले दिनों जब 146 सांसद संसद के अंदर सस्पेंड किए गए और चिंता सड़क पर यह भी थी कि चिन्हित करके जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिल पाती उनकी वोट काटी जा रही थी लगातार, ऐसे समय में आदरणीय चौधरी साहब ने निर्णय लेके संसदीय परंपराओं को जिंदा रखने के लिए और ये विचारधारा, क्योंकि सड़क पे भी जब आप वोट काटोगे और सदन में चुने हुए सांसदों को बोलने भी दोगे तो कहां लोकतंत्र रह गया, कहां जमहूरियत रह गई। ऐसे समय में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की मूलभूत बातें वही याद आती है, उनके दिखाए गए रास्ते, स्वर्गीय चौधरी सिंह जी का संघर्ष याद आता है। अगर 2019 में वो पीड़ा न उठाते, वो मुजफ्फरनगर से चुनाव न लड़ते तो ऐसा संभव नहीं था जो शामली और मुजफ्फरनगर में 9 में से 8 सीटें जीत के आए। ये भी चौधरी चरण सिंह जी की और आप सबके गठबंधन के आदरणीय जयंत चौधरी जी की मेहनत थी। आज युवा साथियों ने इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को करके सबका हौसला इस मेरे की क्रांति धरी से धरा से करने का काम किया, क्योंकि यहाँ की गूंज इस रात का कटके की गूंज दिल्ली के इंडिया गेट तक जाने का काम करेगी। और आदरणीय चौधरी साहब, जहाँ छात्रों की अनेक समस्याएं हैं, युवाओं की अनेक समस्याएं हैं, आप सब बीच में जाके सारी समस्याओं से खुद अवगत है, आप समय समय पे हमारी लाठी और मजबूती देने का काम करते हैं। आपने सदन के अंदर विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा में 25 साल से ऊपर घटा के 21 वर्ष की जाए इसको सुनिश्चित करने का काम किया। ये प्राइवेट विंग मेंबर भी पहली बार इतिहास में देश की संसदीय परिक्रमा आया होगा इस प्रक्रिया में। और जहां आप खेल और खिलाड़ियों को बढ़ाने का बात करते हैं, आपने अपनी सांसद निधि खिलाड़ियों को देके युवा प्रतिभाओं को देश के भविष्य में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह के आयोजन करके और इस तरह की बातें करके आप अच्छा मौका और सुनिश्चित करेंगे कि सड़क पे नहीं, युवा साथी हमारे आने वाले समय में संसदीय परिक्रमा, संसदीय प्लेटफॉर्म पे और ऐसे मंचों पे ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करना काम करेंगे। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि ठंड भी बहुत है, आप अपने प्रिय नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी को सुनने आए हैं। मैं एक बार फिर तमाम युवा राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों को, तमाम पार्टी के नेताओं को, सभी मेहमानों को जो दूर दूर से चल के आए और एनसीपी के अध्यक्ष को हमारे आंसू पुनः से एक आज निवेदन पर स्वीकार करके आए हैं चल के, तो ऐसे सभी साथियों को, पूरे युवा साथियों को मैं एक बार धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि जो भी लक्ष्य आनंद चौधरी साहब इस मंच से तय करने का काम करेंगे, जो गठबंधन आप बनाए, जो ताकत आप बनाए, जो समरसता का भाव आप बनाए, एक एक युवा साथी राष्ट्रीय लोकदल का
बताओ हाथ खड़ा करके कि जय चौधरी जी के चरणों में मानोगे नहीं मानोगे। मुझे पूरा विश्वास है आपकी ताकत के दौरे चौधरी चरण सिंह की यहाँ पड़ी है और आने वाले समय में बड़ा बदलाव 2024 में करके दिखाएगी। अब एक निश्चय दो चार हमारे पॉइंट है, मैं उन्हें सुन के समझाऊंगा जो यहाँ पे आज निर्णय इस संसद में रेजोल्यूशन हम एक बना के चल रहे हैं, जो मीडिया साथी और यहाँ सदन के उसी लेकर के चले हैं। मैं एक करके चिन्हित कर पढ़ता हूँ। न्याय युवाओं को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ये युवाओं के राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाकर ही संभव होगा। स्वतंत्रता देश के किसी भी राज्य में बिना भेदभाव रोजगार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, रोजगार श्रम या व्यापार के लिए अंतरराज्य गतिविधि पर नीतिगत अवरोध खड़ा करना असंवैधानिक है और हम युवा अधिकारियों की स्वतंत्रता हेतु प्रतिबद्ध है। पॉइंट नंबर 3, भौगोलिक शैक्षिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि की भिन्नता से उत्पन्न भेदभाव को समाप्त करेंगे। युवा संसद के मंच से उन्हें शर्तानुसार उचित व सम्मान अवसर प्रदान करने के लिए हम प्रतिबद्ध है। समरसता पॉइंट नंबर 4, जाति धर्म भाषा रंग अथवा लिंग के आधार पर छुआछूत वैमनस्यता व शोषण को समाप्त कर आपसी सहभागिता और परस्पर सम्मान के द्वारा देश की एकता व अखंडता के मार्ग पर चलने के लिए प्रतिबद्ध है। इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक स्थल मेरठ की मैं एक बार फिर शानदार जनता और सभी अपने क्षेत्र के लोगों को और सभी सम्मानित नेताओं का एक बार फिर दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसा कार्यक्रम उन्होंने करके इतिहास रचने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद।